मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। बेटे तैमूर को लंदन में अकेला छोड़ फिर वापस मुंबई लौटी करीना कपूर। करीना कपूर खान परिवार संग लंदन में हॉलीडे एंजॉय कर रही थी। उनके हॉलीडे एंजॉय करते हुए की कई तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब करीना को बीच में ही लंदन से मुंबई आना पड़ गया है। करीना सैफ और तैमूर को लंदन में ही छोड़कर मुंबई आ गई हैं। उनके साथ परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं आया है। खबरों के मुताबिक करीना रियालिटी शो डांस इंडिया डांस की शूटिंग के लिए मुंबई आई हैं। बता दें कि इससे पहले भी करीना डांस इंडिया डांस की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। करीना कपूर 12 घंटे के लिए मुंबई वापस थी, लेकिन काम पूरा करके वो वापस लंदन चली गई थी। एक दिन के लिए लंदन वेकेशन से मुंबई आए शाहरुख खान। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ लंदन में हैं, लेकिन बुधवार को एक दिन के लिए शाहरुख खान मुंबई पहुंचे। यहां आने की वजह थी उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट। किंग खान ने एक दिन में 3 इवेंट अटेंड किए और बैक टू बैक इवेंट के लिए 3 अलग स्टाइल भी कैरी किए। यहाँ शाहरुख खान ब्लू लेदर जैकेट जीन्स में नजर आए। शाहरुख खान सबसे पहले लंदन से आने के बाद मराठी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे। शाहरुख खान ट्रेलर लॉन्च के बाद अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 की स्क्रीनिंग पर पहुंचे। फिल्म की स्क्रीनिंग पर शाहरुख खान का लुक बदला हुआ था। इस बार किंग खान ब्लैक शर्ट और ब्राउन जैकेट में नजर आए। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करते ही शाहरुख खान अपनी फैमिली को वैकेशन पर ज्वाइन करने के लिए मुंबई से रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर किंग खान ब्लू पजामा टी शर्ट और जैकेट में दिखे। एक्ट्रेस महेश बाबू ने मां विजया निर्मला को दी अंतिम विदाई। टॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डायरेक्टर विजया निर्मला का 73 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को नानक रामगुड़ा स्थित उनके घर लाया गया, जहां परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। उनके बेटे साउथ स्टार महेश बाबू पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाते नजर आए। विजय निर्मला उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रही थी। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। विजय निर्मला को अंतिम विदाई देती उनकी बहू नम्रता शिरोडकर। विजय निर्मला की फैमिली में उनके पति कृष्णा और बेटे नरेश हैं। इसके अलावा महेश बाबू और मंजुला घट्टाम नेनी उनके सौतेले बच्चे हैं। रोड ट्रिप पर निकली अजय देवगन की फैमिली। पिता वीरू देवगन के निधन के बाद शोक में डूबी देवगन फैमिली अब मूड चेंज करने के लिए बाहर निकली है। अजय देवगन पत्नी काजोल और बच्चों न्यासा और युग के साथ एक रोड ट्रिप पर गए हुए हैं। काजोल ने इस ट्रिप की फोटो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी कि वो रोड ट्रिप पर हैं। अपनी फैमिली फोटो शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, ग्रम्बल्स रम्बल्स एंड पोटैटो चिप्स, रोड ट्रिप फाइनली। इस फोटो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि हाल में ही ये परिवार इमोशनली काफी मुश्किल दौर से गुजरा है। फिल्म कबीर सिंह की प्रीति को लोग कर रहे हैं ट्रोल। कबीर सिंह को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 1 हफ्ता हो गया है। कई ऐसे दर्शक हैं जो इस फिल्म की कहानी, किरदार और सीन से नाराज हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनके लिए कबीर सिंह की गर्लफ्रेंड प्रीति सिक्का के किरदार से नाराज हैं। प्रीति का फिल्म में चुपचाप रहना और शांत लड़की होना दर्शकों को खास पसंद नहीं आया। यूं तो कबीर प्रीति से बेहद प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्रीति पर हाथ उठाए। कबीर ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारे, लेकिन भोली प्रीति ने उसे कुछ भी नहीं कहा। कबीर प्रीति के घर जाकर उसके माँ बाप और भाई को धमकी देता है। इस सीन में प्रीति सब कुछ सहती है और कबीर की हाँ में हाँ मिलाती है। दर्शक प्रीति के किरदार से निराश हैं और उसे ट्रोल करने का ये सबसे बड़ा कारण है। प्रीति का कबीर को कुछ नहीं कहना और उसके दिए हुक्म को मानना भी दर्शकों को नाराज कर गया है। प्रीति के पैर में छोटी सी चोट लगने पर कबीर का उसे बॉयज हॉस्टल में ले जाना सीन पूरी तरह से अवास्तविक था। फिल्म के अंत में प्रीति कबीर की बोलती बंद कर देती है, लेकिन उसके बाद दोनों का एक हो जाना फिल्म को खराब करने का सबसे बड़ा कारण था। हादसे का शिकार होने से बची प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने पति निक जोनस के साथ पेरिस में हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा एक हादसे का शिकार होते हुए बची। प्रियंका अपने परिवार के साथ याच राइड का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन इस दौरान वो हादसे में बाल बाल बच गईं। अगर निक जोनस वहां ना होते तो शायद प्रियंका को काफी चोट लग सकती थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जहां एक तरफ निक अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, याच पर खड़ी प्रियंका अचानक बुरी तरह लड़खड़ाने लगती हैं, लेकिन तभी निक फुर्ती दिखाते हुए उन्हें संभाल लेते हैं और उनका ड्रिंक समुद्र में गिर जाता है। अगर निक ने प्रियंका पर उस समय ध्यान नहीं दिया होता तो शायद उन्हें चोट लग सकती थी। हादसा होने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर वहां मौजूद लोग अचानक प्रियंका निक की तरफ देखने लगते हैं। न्यूयॉर्क में अर्जुन कपूर की फैमिली संग मलाइका का हैंगआउट।
मलाइका अरोड़ा ने पहली बार अपनी और अर्जुन की साथ में तस्वीर शेयर की थी, जिसमें ये दोनों साथ खड़े थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। दोनों की ये फोटो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अभी तक छाई हुई है। फिलहाल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर साथ में न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं और इन दोनों के साथ अर्जुन के चाचा संजय कपूर और उनका परिवार भी है। संजय की पत्नी महिप कपूर ने मलाइका और अर्जुन की जोड़ी के साथ अपने बेटे की तस्वीर शेयर की, जो काफी क्यूट है। इस तस्वीर में ये तीनों भारत के झंडे के रंग पहने हुए हैं और उसी सीरीज में खड़े हैं। महिप ने तस्वीर शेयर कर लिखा, जय हिंद। इसके अलावा महिप कपूर ने एक और फोटो शेयर की है, जिसमें आप उनके परिवार को ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ देख सकते हैं। बॉयफ्रेंड संग टूटा सुष्मिता सेन का रिश्ता। लगता है कि एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल का ब्रेकअप हो गया है। सुष्मिता ने रोहमन शॉल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बंद कर दिया है। रोहमन शॉल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ब्रेकअप पोस्ट लिखी है। रोहमन ने लिखा, हे तुम, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कम ऑन, मैं यहाँ पूरे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ 24 घंटे। रोहमन ने लिखा, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते को चलाते रहने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और तुम्हारा पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर के लिए जो करते हैं वो आपका फैसला है, आपके आपकी पार्टनर से भी वैसा ही करने की उम्मीद मत करिए। रोहमन ने लिखा, तो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको वैसे ही ट्रीट करे जैसे आप उसे कर रहे हैं? अगर कोई आपसे ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है और फिर भी आप उसके साथ रह रहे हैं तो ये आपकी गलती है, खुद से प्यार करिए। रोहमन ने आगे लिखा, तो क्या आप बोर हो जाते हैं जब आप अकेले होते हैं? ठीक है, तो बाकियों को आप एंटरटेनिंग कैसे लगेंगे जब आप खुद को ही एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं? बता दें कि रोहमन शॉल और सुष्मिता सेन पिछले लंबे वक्त से रिलेशनशिप में हैं। रोहमन की ये पोस्ट उनके रिश्ते की हालिया स्टेटस के बारे में बहुत कुछ कहती है। अर्जुन कपूर के हाथ लगी एक और बड़ी उपलब्धि। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले अभिनेता अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने 1 करोड़ फैन फॉलोअर बना लिए हैं। अर्जुन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीरों का कोलाज बनाया था। उन्होंने उसके कैप्शन में कहा, 10 मिलियन, आप सभी का धन्यवाद। फिल्म कबीर सिंह की हुई 100 करोड़ के क्लब में एंट्री। कबीर सिंह तमाम विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से बनी हुई है। फिल्म ने सामने आए सभी रोड़े साफ करते हुए 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है। ईशान खट्टर ने शाहिद कपूर के लिए इमोशनल नोट भी लिखा है। ईशान ने लिखा, आज बड़े भाई के लिए मैं बहुत खुश हूँ, वो हमेशा मेरे लिए एक अच्छे इंसान का शानदार उदाहरण रहे हैं। ये मुझे चकित करता है कि आप इस तरह के सबसे जटिल खोए हुए और क्षतिग्रस्त कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से निभा सकते हैं। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।